मुंबई की आर्य पुलिस ने एक ऐसे इडली सांभर बेचने वाले को गिरफ्तार किया है जो रातों रात लखपति बनना चाहता था। इडली सांभर बेचने वाला ये शख्स 5 करोड़ की अंबर ग्रीस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये अंबर ग्रीस जो वेल मछली की उल्टी होती है और ये परफ्यूम बनाने के काम में आता है, मगर वसई में सिडू रमन श्रीनिवासन जो इडली सांभर बेचता था, इसे किसी व्यक्ति ने अंबर ग्रीस की तस्करी करने के लिए कहा और 5 करोड़ की अंबर ग्रीस तस्करी करने पर कमीशन के तौर पर इसे 50 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। जैसे ही आरए पुलिस के अंतर्गत आने वाले रॉयल पॉम इलाके में ये शख्स तस्करी करने के लिए पहुंचा, गुप्त जानकारी पर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से अंबर ग्रीस भी बरामद किया है और किसने इसे तस्करी करने के लिए दिया था, ये सारी जानकारी पुलिस आगे जांच पड़ताल इस पूरे मामले की कर रही है। 27 अप्रैल को जो गुप्त माहिती मिली थी, तो उसके आधार पे आरए पुलिस स्टेशन के एक डिटेक्शन ऑफिसर श्री खुलाम और उनकी टीम ने रॉयल पाम इलाके में एक शख्स को, जिसका नाम है शेंदू रामन श्रीनिवासन, ये एक नायगांव ठाणे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, तो उसके पास 2 kg अंबरग्रीस जो ये एक बाई प्रोडक्ट है कि जो वेल फिश है तो वो पैदा करता है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी होती है, तो ये मुद्देमाल के सहित उसको गिरफ्तार किया और वो जब्त किया है। अब नहीं, हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी तक यानी कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। ये तो परफ्यूम में, परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है और ये काफ़ी कीमती होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, तो इसको हमने एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की भी मदद ली है और एक जॉइंट उसको पंचनामा करके उसको हमने सीज किया है। ये ब्लैक मार्केटिंग ही होता है कि जैसा कि ये एक शेड्यूल में आता है, इसको एक प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है, तो उसको इनके पास मिला और उसको सीज किया गया है।